तो देहरादून से ऋषिकेश तो आ गए, अब लेके चलती हूँ आप सबको गंगा आरती पे, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था। तो अभी हम जा रहे हैं जानकी झूले के तरफ और 5:30 बजे गंगा आरती स्टार्ट होती है। हाँ, आते आते हमें इतने सारे कपड़े पहन लेने पड़ते हैं बिकॉज बहुत ठंड पड़ जाती है। बीच रास्ते में जब जंगल वाला रास्ता मैंने आपको दिखाया था, तो हाँ ये हालत होती है। दिस इज़ द अटायर एंड यो वी हैव रीच्ड जानकी झूला, जो कि काफ़ी भीड़ है आज, जनरली शांति होती है। चले भी छोटी सी मार्केट लगी हुई होती है, कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और छोटी मोटी चीज़ें होती है। एंड दैट इज़ द एंट्रेंस फॉर जानकी झूला। यहाँ पे 3 रास्ते, एक गाड़ी जाने के, एक आने के और बीच से लोग चलने वाले। और ये गंगा जी इधर, आजकल पानी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी ब्लूइश ग्रीनिश वाटर है नाउ डेज। हाँ फ्लो ज़्यादा है, हाँ आज फ्लो भी ज़्यादा है। वैसे पिछले कुछ दिनों से थोड़ा कम हो गया था पानी। तो बड़ा हनुमान जी का म्यूरल है, बहुत प्यारा है। नो पार्किंग, राइट मार ले यार। लेफ्ट लेफ्ट, ऋषिकेश आते ही वाइब बदल जाती है पूरी। ट्राई करूंगी कि जल्दी जाके अच्छी जगह मिले। तब हम पहुंच चुके हैं परमात निकेतन, यहाँ से सबसे बढ़िया वाली गंगा आरती दिखती है। सो ये भी आ रहा है गेट पे। यहाँ पे लोग रुकते भी है, यहाँ पे सत्संग होते हैं और यहाँ से अच्छी बड़ी वाली गंगा आरती भी होती है। और भी जगहों पे होती है, हर सारे घाट पे गंगा आरती होती है, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा कीर्तन और कीर्तन के बाद गंगा आरती चालू होती है। बहुत से लोग यही की आरती देखने आते हैं। आज हम जल्दी जाके अच्छा स्पॉट लेंगे, सो दैट उस पार जाके थोड़ा अच्छा स्पॉट लेंगे, सो दैट आई कैन शो प्रॉपरली ना। तो यहाँ की वाइब तो बहुत ही प्यारी, यू फील वेरी गुड एनर्जीज एंड यू नो प्लेजेंट ओवर हियर व्हेन यू कम। वैसे यहाँ पे 2 गेट्स है, दोनों साइड से आप आ सकते हो। और हम जल्दी से गेट की तरफ निकल पड़ते हैं, और गेट तो फिलहाल खुला नहीं होता, तो हम उसके आसपास ही घूमने लगते हैं, ये सोच के कि सबसे पहली एंट्री तो आज हम ही करेंगे। और जैसे गेट खुला मैं फटाफट भाग के आगे चली जाती हूँ और अपनी सीट पकड़ लेती हूँ। धीरे धीरे फिर लोगों की भी भीड़ बढ़ने लगती है।
लगता है आरती के टाइम पे यहाँ पे बहुत अलग ही फीलिंग होती है आरती की। और आरती अब ख़त्म हो चुकी है। यहाँ का परमार्थ निकेतन में एक रेस्टोरेंट है हृदयम करके, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम। खाना भी अच्छा मिलता है वहाँ पे, बट हम वहाँ पे सूप पीने जा रहे हैं आफ्टर दैट हैवी मील हमने जो खाया ढाबे पे, तो बस सूप पी के हम वहाँ से घर निकल जाएंगे। तो ये है यहाँ का रेस्टोरेंट हृदय। यहाँ आपको सेल्फ सर्विस करनी होगी, पर सर्विस वैसे काफी क्विक है। यहाँ आपको सारे टाइप का खाना मिल जाता है, जैसे कि चाट से लेकर बिल्कुल सात्विक थाली तक सब कुछ। हमने तो सिर्फ सूप पिया था जो कि काफी टेस्टी होता है और काफी अलग ढंग से बनाया जाता है। और बस आज के लिए फिर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें आप हमारे उज़्ज़े ढाबा वाली वीडियो देख सकते हो, जिसकी मेकिंग आपने पिछले व्लॉग में देखी थी। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आगे आने वाली वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।